हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो बताने वाला हूँ किस प्रकार दोस्तों आप सैमसंग मोबाइल को फुल रिसेट कर सकते हो। कोई भी दोस्तों सैमसंग मोबाइल है उसको फुल रिसेट कैसे करते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार दोस्तों आप सैमसंग मोबाइल को फुल रिसेट कर सकते हो। तो दोस्तों रिसेट करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों आप फिर आप पछताओगे। तो सबसे पहले दोस्तों रिसेट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना, जितने भी दोस्तों आपके ऐप के जितने भी पासवर्ड है, जैसे इंस्टाग्राम, गूगल अकाउंट, जीमेल आईडी, जितने भी दोस्तों आपको पासवर्ड है आपको याद नहीं हुए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिख के यहाँ निकाल के आपको लिख देने, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में पछता, क्योंकि दोस्तों बाद में पूरा फोन रिसेट हो जाएगा, फिर दोस्तों आप फिर से आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना कि आपको जितने भी जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जो जितने भी दोस्तों आपको पासवर्ड होंगे वो आप पहले लिख देना है, उसके बाद दोस्तों आपको फुल फोन को रिसेट करना है। दोस्तों पहले आप रिसेट कर दोगे दोस्तों आप फिर फिर से लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग का, अपने ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ऊपर सर्च मारा ऑप्शन मिल रहा है, अपने सर्च में यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर एक सर्च में ऊपर से मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिसेट। जैसे तो रिसेट लिखता हूँ यहाँ पर, रिसेट लिखने के बाद दोस्तों आप नीचे देखिए सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, मैं सर्च के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे तो सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, रिसेट वो पहले ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है रिसेट ऑल सेटिंग, तीसरा मिल रहा है रिसेट एसेबिलिटी सेटिंग, चौथा मिल रहा है रिसेट नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद उसने आप देख सकते हो नीचे मिल रहा है फैक्ट्री डाटा रिसेट। दोस्तों अपने क्या करना है, फैक्ट्री पूरा रिसेट करना, तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, रिसेट ऑल सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, रिसेट एसेबिलिटी सेटिंग। दोस्तों अपने फोन को पूरा क्लियर करना एकदम नए कि नए। दोस्तों नीचे आप देखते हो ऑप्शन मिल रहा है रिसेट यूर फैक्ट्री डाटा रिसेट। दोस्तों नीचे रिसेट यूर फोन टू ईस्ट फैक्ट्री रिपेयर सेटिंग विल इरेज ऑल डाटा इंक्लूडिंग फाइल एंड डाउनलोड ऐप। दोस्तों क्या जितने भी दोस्तों आप डाउनलोड ऐप की सब यहाँ पर दोस्तों रिलेट होगा, तो यहाँ पर अपने इसके ऊपर फैक्ट्री डाटा रिसेट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर आपको पहले चेतावनी दे बता दिया जाएगा क्या क्या यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है गूगल अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सिस्टम एंड ऐप डाटा हो जाएगा, सेटिंग डाउनलोड जितने भी ऐप की म्यूजिक पिक्चर ऑल यूजर डाटा जब जितने भी दोस्तों यहाँ पर यूजर डाटा सब जीमेल अकाउंट जितने भी दोस्तों आपको फेसबुक इंस्टाग्राम सब यहाँ पर डिलीट हो जाएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने पूरा डिलीट करना है, उसके बाद इसको क्या करना यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ऑप्शन मिल रहा है रिसेट। दोस्तों देख सकते हो इसके ऊपर रिसेट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों रिसेट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा किस प्रकार दोस्तों आपको जितने भी होगा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है डिलीट ऑल। इसी दोस्तों मैं यहाँ डिलीट ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोस्तों मेरा फोन पूरा पूरी तरह रिसेट हो जाएगा, पूरा एकदम रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे को रिसेट नहीं करना है, आपको रिसेट करना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना, आपको पूरा फोन रिसेट हो जाएगा, आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद में आपका फोन पूरा रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपने फोन को सैमसंग फोन को फुल रिसेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को सीखने को मिला, दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो।